या हम ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, 8-10 साल से मेरी शॉप है, पर मुझे कमी बहुत ही महसूस हो रही थी। पर मैं एसी टेलीकॉम आया, यहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, एक एक रेजिस्टेंस, एक एक कैपेसिटर, हर चीज सप्लाई, ट्रेसिंग, हर चीज का नॉलेज सर ने परफेक्ट दिया। लिखवाया तो नहीं है? नहीं नहीं सर, लिखवाया नहीं है, पूरा सर यहीं पर दिखाया, प्रैक्टिकल कराया, हर सेट पर यहाँ पर काम कराया, आईसी रिवॉल्व, हर चीज यहाँ पर अच्छी मिली। आपने आईसी रिवॉल्व की थी? जी सर, बन जाएगी आपसे 100% बन जाएगी। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन चक्रवर्ती, एशिया टेलीकॉम स्टूडेंट। तो सर मैं आपको, आप सभी को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर अपना हैंडसेट में सर यूनिवर्सल माइक जो होता है, मैं आज यूनिवर्सल माइक की आपको पूरी सप्लाई और वोल्टेज यहाँ पर पूरे डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर क्रिस्टल माइक, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। क्रिस्टल माइक कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल माइक के कई प्रकार के होते हैं, बट मैं आपको 2-3 उसके प्रकार बता दे रहा हूँ। सर क्रिस्टल माइक ऐसा भी होता है, क्रिस्टल माइक ऐसा भी होता है ब्लू करके, और क्रिस्टल माइक ऐसा भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, क्रिस्टल माइक में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा। तो एक ही मैंने यहाँ पर क्रिस्टल माइक ले लिया है, और क्रिस्टल माइक अगर हमारा क्रिस्टल माइक खराब हो जाता है, और क्रिस्टल माइक हटाकर हम यूनिवर्सल माइक कैसे लगाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो कि हम यहाँ पर ये माइक ले लेते हैं, या इसे कोई भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये माइक ले लिया, तो सबसे पहले हमें चेक करना है बोर्ड में कि हमारे बोर्ड में अगर ये माइक निकलता है तो सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग चेक करेंगे। तो कोल्ड टेस्टिंग में हम चेक करेंगे मल्टीमीटर की, एक ग्राउंड पर रखेंगे और ब्लैक हिट मल्टीमीटर से माइक के टिप्सों पर रखेंगे। तो हमने जैसे कि चेक किया, इस पर ग्राउंड आ रहा है, इस पर ग्राउंड आ रहा है, और इस पर रीडिंग आ रहा है, और इस पर मान लो ओपन आ रहा है। अगर ओपन आ रहा है तो ये डाटा का भी हो सकता है, और इस पर रीडिंग भी आ सकती है। तो ये डाटा भी हो सकता है और रीडिंग भी आ सकती है। तो ये हमारा, मान लिया हमने यहाँ पर रीडिंग आ गई और यहाँ पर एक आया सपोज, तो हमें ऐसे मान लेना है कि हमारा डाटा पॉइंट है और ये हमारा रीडिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी प्राप्त हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अगर मालूम करना है कि यहाँ पर हमारा डाटा कौन सा है और हमारा सर वीडीडी कौन सा है, तो हम उसके लिए क्या करना होगा, सेट को ऑन करना होगा। सेट को ऑन करके हम यहाँ पर माइक के माइक रीडिंग लिख दो, कुछ आर लिख दो और वो लिख दो, उसका ग्राउंड का ग्राउंड लिख दो। जी सर, ये हमारा आर हो गया, आर प्लस बी लिख दो, आर प्लस बी प्लस बी, तो आर भी आएगा और प्लस बी का मतलब वोल्टेज भी, और एक दूसरे वाले पर आर भी आ सकता है प्लस वन लिख दो, मतलब आर भी आ सकता है और प्लस ये फिर बी नहीं है, पर ये डाटा का पॉइंट हो गया। और यहाँ पर ये हमने कुछ एंट्री मान लिया, ठीक है, अभी क्लियर हो गया दिमाग में? यस सर। सर जो एक आता है वो कैपेसिटेंस हो गया, एक आता है इसी के अंदर है, हम यहाँ पर डाटा मान लेते हैं। तो अब सर हम सेट को ऑन करेंगे, माइक हम निकाल कर सेट को ऑन करेंगे, और हमें ऑन करने के बाद हम रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हमें माइक चेक करना है। तो हमें इन दोनों टिप्सों पर एक बार वोल्टेज चेक करना है, कितना है वोल्टेज? सर वोल्टेज 1.2 से 3.3 के समथिंग आ सकता है सर, लिख दीजिए। जी सर, तो मान लो कि हमने चेक किया सर मल्टीमीटर पर 20 वोल्ट की रेंज में हमने वोल्टेज चेक किया, इस पर हमें वोल्टेज यहाँ पर 1.2 से 3.3 यहाँ पर प्राप्त हो गया, 3.3 टच में आता है, 3.3 ओनली 3 वोल्ट, 3.2 से 3। अब ये देखो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, ब्रैकेट में लिखो आगे, ये वोल्टेज किस टाइप का वोल्टेज है? एक्टिव वोल्टेज सेक्शन वाइज जी, ये सेक्शन वाइज, जब ये सेक्शन ऑन होगा तो ही आएगा, एक्टिव वोल्टेज में भी सेक्शन वाइज जी। तो यहाँ पर सर हमें प्राप्त हो गया 1.2 से 3 वोल्ट एक्टिव वोल्टेज यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है, तो हम समझ लेंगे कि यही हमारा वीडीडी पॉइंट है। तो अब सर हमें करना क्या है, यहाँ पर मैं एक माइक और बना दूंगा, तो ये हमारा हो गया सर वीडीडी, और ये हमारा हो गया डाटा, तो हमने चेक कर लिया, ये हमारा सर वीडीडी हो गया और ये हमारा डाटा हो गया। अब हमें इसमें यूनिवर्सल माइक लगाना है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितने किलो होगा वो सर? 1 किलो से लेके हम सर
फोर के वन से लेकर 4.7 तक लगा सकते हैं, पांच तक नहीं सर, 1.47 तक। 1 से 4.7 वो लगभग पांच ही होता है, क्योंकि आप नियर बाय 4.7, मैंने बोला नियर बाय 2.2 ना मिले, एक्चुअली होना चाहिए 1, 2.2 और 4.7, बट आप उसके आस पास बिल्कुल लगा सकते हो, तो वो कहते हुए 1 से 5 के अंदर था। तो हमें यहाँ पर सर यहाँ पर लेके प्लस का जो हमारे यूनिवर्सल माइक है इसका प्लस का हमें यहाँ पर लेके जाना है और सर यहाँ पर डाटा पे दे देना है और माइनस पॉइंट सर यहाँ पर हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। हमारा 100% अगर हम स्टेप बाय स्टेप ये अपनाते हैं सर तो 100% हमारा माइक वर्किंग करेगा, चाहे माइक कोई सा भी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको पढ़ के सर? बहुत ही अच्छा लगा सर, और सर से मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा। मैं कोई सा भी माइक यहाँ पर बिल्कुल यूनिवर्सल, अगर मेरे पास क्रिस्टल माइक भी आता है तो बिल्कुल स्पीकर की सप्लाई और रिसीवर की सप्लाई आपसे बनेगी चेक करते हुए। जी सर, स्पीकर की भी बता दूंगा, और अगर स्पीकर के दोनों टेप्स निकल गए जी तो भी आपको बन जाएगा कि कैसे बनाना है उसको। सर बिल्कुल 100% ट्रेसिंग आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ पर, मतलब अब हमको ट्रेसिंग करने के लिए सर्किट डायग्राम की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी सर, कोई भी बना सर्किट डायग्राम। सप्लाई की नॉलेज होना जरूरत है, कहाँ मिला आपको? ये सर यहीं मिला, एशिया टेलीकॉम में आकर मिला। आप भी आइए तो बताओ इंडिया का नंबर वन कौन है? एशिया टेलीकॉम। और जिस भी जो जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी अगर नॉलेज नहीं, अगर आपको कहीं भी कोई मिसिंग होती है, जो भी कोई भी अगर नॉलेज नहीं, अगर आपको कहीं भी कोई मिसिंग होती है, जो भी मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ आने के या वो टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं 7-6 साल से और उनको लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत काम नहीं कर पा रहे, तुम भी बता सर। तो मैं भी बताना चाहूंगा, मैं भी 8-10 साल से यहाँ पर शॉप है मेरी एमपी में, तो 8-10 साल से मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं कहीं ना कहीं भी को मुझे काम नहीं आ पा रहा है, जो आजकल अपडेट टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम कहेंगे जो आ रही है सप्लाई रीडिंग या हम ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। 8-10 साल से मेरी शॉप है पर मुझे कमी बहुत ही महसूस होती थी, पर मैं एशिया टेलीकॉम आया यहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, एक एक रेजिस्टेंस एक एक कैपेसिटर हर चीज सप्लाई ट्रेसिंग हर चीज का नॉलेज सर ने परफेक्ट दिया। लिखवाया तो नहीं है? नहीं नहीं सर लिखवाया नहीं है, पूरा सर यहीं पर दिखाया, प्रैक्टिकल कराया, हर सेट पर यहाँ पर काम कराया, आईसी रिवॉल हर चीज यहाँ पर अच्छी मिली। आपने आईसी रिवॉल लिखी थी? जी सर। बन जाएगी आपसे? बिल्कुल 100% बन जाएगी। अच्छा ये ये बताओ आप दिल से बोल रहे हो? नहीं नहीं सर बिल्कुल बोल रहे हो, आपके दो लोग भी जो यहाँ आए वो भी यही सोचते हैं? बिल्कुल सर 100% सभी लोग यही सोचते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10 तारखेला लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute.
Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.